वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ प्लस वन। वी विल डिस्कस अबाउट लाइन कैपिटल विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लाइन कैपिटल टू एंगल्स में दिखाई दे रही है। एक में आपको एलिफेंट एंड हॉर्स दिखाई दे रहे हैं और दूसरे पे हॉर्स एंड बुल। तो ये दोनों अलग अलग एंगल से हैं, तो इसमें दिखने में तीन शेर दिखाई देते हैं बट इसमें चार शेर हैं। तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। द नेम इज लाइन कैपिटल, मीडियम इज पॉलिश्ड सैंडस्टोन, पीरियड इज सिर्का 3rd century BC, डायनेस्टी इज मौर्यंस डायनेस्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग अशोका, कलेक्शन सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम उत्तर प्रदेश। These were the main key points of Lion Capital. Now, theme or subject matter of Lion Capital. A sculpture of four lions standing back to back on an elaborate base, that is abacus, that includes other animals. Four lions एक abacus पे elaborate base पे खड़े हैं, साथ में उसके और भी animals इस एबाकस पे इंक्लूड किए गए हैं। इट वॉज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल एम्बलम ऑफ इंडिया इन 1950 और ये 1950 में ऑफिशियल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था इसे। डिस्क्रिप्शन, द सारनाथ लायन कैपिटल द क्राउनिंग पीस ऑफ अ मोनोलिथिक अशोका पिलर वॉज बिल्ट in the 3rd century BC at the Deer Park in Sarnath, the outskirts of Varanasi. Here Buddha had preached his first sermon after gaining enlightenment and set the wheel of law in motion, Dharma Chakra Pravartan. और ये सारनाथ में जहाँ पे बनाई गई है वहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपनी फर्स्ट स्पीच वहां पे दी थी एनलाइटनमेंट के बाद। द कैपिटल मेड ऑफ पॉलिश्ड सैंडस्टोन इज मोर देन 2 meters और 7 feet इन हाइट। इट कंप्राइजेस ऑफ 4 रोरिंग लायंस प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन अ राउंड स्लैब कॉल्ड एबाकस। ये 7 feet की है और इसमें एक राउंड स्लैब पे जिसको एबाकस कहते हैं 4 लायंस बैक टू बैक खड़े हैं। द एबाकस इज सपोर्टेड बाय अ बेल शेप्ड इन्वर्टेड लोटस बेस और इसका जो बेस बना हुआ है वो एक इन्वर्टेड लोटस बेस है। On the side of the abacus are carved 4 animals, lion, elephant, bull and horse, moving in a clockwise manner. These animals carved with great skill alternate with 4 smaller dharma chakras or wheels of law. Aur abacus pe, around the abacus, लाइन एलिफेंट बुल एंड हॉर्स ये 4 एनिमल कार्व किए हुए और साथ में 4 धर्म चक्र भी बनाए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड व्हील्स ऑफ लॉ। इट इज बिलीव्ड दैट द कैपिटल वाज ओरिजिनली क्राउन्ड बाय अ बिगर व्हील ऑफ धर्मा धर्म चक्र विद 24 स्पोक्स द ब्रोकन पीसेस ऑफ विच वर फाउंड एट द ओरिजिनल साइट। The 4 lines on the top
are highly symbolic and stylized with very little hint of naturalness. This is clear in the hair curved along the neck as little flame shaped bunches, and the upper lip of the lines shown by three slit cut lines. The magnificent modeling gives them a great power and dignity. Surprisingly, compared to the majesty of the lions, the animals on the round base, abacus, are done with great naturalistic energy and are defined carefully. Petals of the lotus have rhythmically cut slit curves and contours. The surface of these pillars has a mirror-like finish. It also reveals the aristocratic and international nature of the Mauryan art. और इस पे जो four lines बनाई गई हैं, वो एक as a symbol बनाई गई हैं और उन्हें stylized किया गया है, naturalness उसमें दिखाई गई है। साथ में उनको curve किया हुआ है जो flame shaped bunches से उनकी neck को दिखाया गया है और उसके अपर लिप्स को थ्री स्लिट कट लाइंस के द्वारा शो किया गया है। और जो एनिमल्स राउंड बेस पे बनाए गए हैं, वो एक नेचुरलिस्टिक एनर्जी को शो करते हुए बनाए गए हैं और इसमें मॉडर्न आर्ट की रिचनेस भी क्लियरली शो होती है। द पिलर बियर्स द एडिक्ट ऑफ अशोकास वार्निंग as a ruler in Brahmi script, no one shall cause division in the order of monks. तो ये उसकी warning है जो उस पे Brahmi script में लिखी हुई है। The broken pieces of the pillar are now in the museum at Sarnath. The great symbolism of the greatest Buddhist virtues along with the great masterly skill of sculpting of the piece of art deserved to be a नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द ग्रेट नेशन। और ये इसका ग्रेट सिंबलिज्म है जो वो एक नेशनल आइडेंटिटी को शो करता है किसी भी महान राष्ट्र की। व्हाट इज सिंबलिज्म? देयर आर वेरियस इंटरप्रिटेशंस रिगार्डिंग द सिंबलिज्म। टू ऑफ देम आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज दीज फोर लाइंस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बुद्धा और सक्यासीमा, सिंबलाइजिंग पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। फोर लाइन्स हैं जो वो पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस को शो करते हैं। दे आर जॉइंड बैक टू बैक फेसिंग द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, सिग्निफाइंग अशोकास विक्ट्री इन ऑल फोर डायरेक्शंस। और ये चारों शेर जो बनाए गए हैं वो फोर डायरेक्शन में इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो अशोका की विक्ट्रीज को फोर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सके। वो उसी चीज का सिंबल है। द स्मॉलर व्हील्स ऑन द अबाकस स्टैंड फॉर हिज विक्ट्री इन द इंटरमीडिएट रीजन, रेनिंग हिम सुप्रीम इन द होल वर्ल्ड। द फोर एनिमल्स आर बिलीव्ड टू सिंबलाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा'स लाइफ। ये जो फोर एनिमल्स हैं लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को सिंबलाइज करने के लिए बनाए गए हैं। द एलिफेंट स्टैंड्स फॉर द ड्रीम ऑफ क्वीन माया इन विच अ वाइट एलिफेंट एंटर्स हर वॉम्ब। द बुल रिप्रेजेंट्स डिजायर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज अ प्रिंस। तो बुल है जो उसको बुद्धा को एज अ प्रिंस शो करने के लिए दिखाया गया है। The horse represents Buddha's departure from royal life. Horse है जो वो royal life से Buddha के departure को दिखाया गया है। The lion represents the achievement of enlightenment or nirvana. और जो lion है वो enlightenment और nirvana की achievement को show कर रहा है। It also stands for his royal lineage as he belonged to the Sakya clan. The Dharmachakra spreads the continuous motivation to work for 24 hours and stand for the victory of righteousness over the physical force. और जो धर्मचक्र है
वो 24 स्पोक्स हैं उसमें और वो 24 आवर्स कंटिन्यूसली चलते रहने को शो करता है। द लाइन इज फ्रीक्वेंटली यूज एज अ सिंबल ऑफ द बुद्धा एंड द कैपिटल thus probably symbolizes the Buddha's spread of dharma. The group of four lines and bell jointly symbolize preaching of the four noble truths of Buddhism to all. The symbol U with a vertical line placed symmetrically inside the lotus symbolizes the middle path. The middle path is the fundamental philosophy of Buddhism, the Buddhist dharma. The bull, the horse, the lion, and the elephant in the moving position could symbolize as rolling the chakras, the wheel of law. So, इसमें lion को as a symbol of the Buddha represent किया गया है, दिखाया गया है, और इसमें जो four lions हैं, वो four noble truths ऑफ बुद्धिज्म को शो कर रहे हैं, जो फोर नोबल ट्रूथ है बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म रिलीजन के, उनको शो कर रहे हैं। और जो यू सिंबल है वर्टिकल लाइन उसमें दिखाई गई है जो साथ में, वो मिडल पाथ को शो कर रहे हैं, जो कि एक फंडामेंटल फिलॉसफी है बुद्धिज्म की। और जो द बुल, द हॉर्स, लायन एंड एलिफेंट, ये चार एनिमल जो दिखाए गए हैं एबाकस पे, वो मूविंग पोजीशन में दिखाए गए हैं, जो के चक्र को रोल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली द व्हील ऑफ लॉ को रोल कर रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द लाइन कैपिटल। फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस स्टे ट्यून्ड to our channel, subscribe our channel 24/7 AP Library and press the bell icon for instant notifications for our next videos. Thanks for watching.